नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम निट्रावेट 10 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। निट्रावेट 10 mg टैबलेट का मुख्य उपयोग इंसोमनिया यानी कि अनिद्रा की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एंजेलो फ्रेंच ड्रग एंड इंडस्ट्रीज कंपनी की 15 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 93 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। निट्रावेट 10 mg टैबलेट में निट्राजेपाम IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद नाइट्राजेपाम यह एक बेंजोडाइजेपाइन है। यह गाबा नामक केमिकल मैसेंजर के एक्शन को तेज करने का काम करता है, जिससे ब्रेन की तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि पर रोक लगती है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल अनिद्रा के इलाज के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर अन्य दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क को आराम देता है और उन लोगों का इलाज करने में मदद करता है जिन्हें नींद से जुड़ी समस्या है या फिर ज़्यादा सोचने की वजह से नींद नहीं आती। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको थकान, चक्कर आना, अस्थिरता, उलझन, अशांति, मति भ्रम, चिड़चिड़ापन, असामान्य सपने, डिप्रेशन और सुस्ती यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको हर्ट, लिवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और साथ ही यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। अडल्ट व्यक्ति इसे एक टैबलेट सोते समय ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।